अंतरिक्ष पर जाना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन ऐसे खुशनसीब लोग कम ही होते हैं जिनका ये ख्वाब पूरा हो पाता है। और इन्हीं खुशनसीब लोगों में शामिल है पायलट गोपीचंद थोटाकुरा। जी हाँ, पायलट गोपीचंद अब अंतरिक्ष की सैर पर निकलने वाले हैं। तो वही इन सब के बीच जानते हैं कि कौन है गोपी थोटाकुरा, जो अंतरिक्ष में रचने वाले हैं इतिहास और ब्लू ओरिजन से करेंगे स्पेस टूरिज्म। जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। दरअसल जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजन ने हाल ही में NS-25 मिशन के लिए 6 सदस्यों वाले क्रू का ऐलान किया है। इस क्रू में अमेरिका के एड ड्वाइट भी शामिल है, जिन्होंने 1961 में पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। लेकिन सबसे खास बात ये है इस मिशन में कि भारत के गोपी थोटाकुरा भी शामिल है, जो इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि गोपी थोटाकुरा एक उद्यमी पायलट और एविएटर हैं। उन्होंने गाड़ी चलाना सीखने से पहले ही उड़ान भरना सीख लिया था। वे प्रिवर्स लाइफ कॉर्प के सह संस्थापक भी हैं, जो जॉर्जिया में स्थित एक एकीकृत स्वास्थ्य और व्यवहारिक स्वास्थ्य केंद्र है। कमर्शियल जेट उड़ाने के अलावा गोपी बुश प्लेन, एरोबेटिक विमान, सिप्लेन, ग्लाइडर और हॉट एयर बलून भी उड़ाते हैं। वे एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जेट पायलट भी रह चुके हैं। साहसिक गोपी ने हाल ही में माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई भी की है। उन्होंने फ्लोरिडा के एक एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल साइंस में डिग्री हासिल की है। तो वहीं आपको आगे बता दें कि ब्लू ओरिजन के NS-25 मिशन के लिए विशेष दल के हिस्से के रूप में थोटाकुरा के साथ 5 और लोगों को भी चुना गया है। इनमें मेसन एंजल, सिल्वेन चिरोन, केनेथ हेल हेस और कैरोल स्कॉलर अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। बता दें कि कंपनी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए न्यू ग्लेन नामक एक भारी रॉकेट भी विकसित कर रही है, जिसकी पहली उड़ान अगले साल के लिए निर्धारित है। 98 मीटर ऊंचा यह रॉकेट 45 मीट्रिक टन तक पेलोड की पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।